दोस्तों आज जानेंगे क्रिकेट जगत के एक खतरनाक क्रिकेटर के बारे में जो कि सिक्सर मेसन और मनोज बोस नाम से दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस गेल के बारे में। दुनिया के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है जो अपने के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। जब वे बहुत विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो क्रिकेट जगत के बड़े बड़े गेंदबाज भी अक्सर उनसे बर्बाद होने से बचने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वह सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की तरह वेस्ट इंडीज और दुनिया भर में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। क्रिस गेल बेहद साधारण परिवार से जन्म लेने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और आज लोग उन्हें एडवर्ड बॉस और सिक्सर मेसन के नाम से ही जानते हैं। क्रिस गेल का पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है और उनका जन्म 21 दिसंबर 1979 को किंगस्टन जमैका वेस्ट इंडीज में हुआ था जो कि वेस्ट इंडीज की राजधानी है। उनके पिता का नाम डेल्ली गेल है जो कि एक पुलिस अफिसर है, पुलिस विभाग में एक काम करते हैं। उनकी माँ का नाम हेजल गेल है। उनके पांच भाई बहन हैं, उनमें से दो है एक लाइफ पेरिस और डेल गेल। क्रिस गेल इस पेशे से फैशन डिजाइनर नताशा वेरिस नाम की अपनी महिला बिजनेस पार्टनर के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे और उन्होंने 31 मई 2009 को उनसे शादी की थी। साल 2016 में नताशा ने एक बेटी को भी जन्म दिया था जिसका नाम था क्रिस एलिना गेल। जब वह छोटे थे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर के नाम पर उनका घर सिर्फ एक टीम की झोपड़ी थी। वहाँ इसी से किसी तरह उनके परिवार की आमदनी चलती रहती थी। उनकी माँ हेजल गेल को सड़क के किनारे बैठकर रेहड़ी लगाने का काम करना पड़ता था। उन्होंने अपनी आरंभिक बचपन की शिक्षा जुमिका के लुफ्ट टाउन के एक्सलियर्स हाई स्कूल में पूरी की थी। 11 से 20 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों के साथ लड़के के लिए अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण क्रिस गेल केवल 10वीं कक्षा की शिक्षा ही पूरी कर पाई थी। किसी तरह का रोजगार नहीं मिल सका। फिर उन्होंने एक नए तरह का काम शुरू किया जिनमें उन्हें सड़क पर पड़े कूड़े के ढेरों में से जो भी मिलता उसे छांटकर बेचकर पैसा कमाना शुरू किया था। इसी दौरान उन्होंने अपने इलाके और मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे क्रिकेट उनका जुनून बन गया था। जब क्रिस गेल बचपन में अपने क्षेत्र और इलाकों में क्रिकेट खेला करते थे तो उन्हें बल्लेबाजी अवधि के दौरान क्रीज पर दौड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा गेंद को बहुत जोर से और बहुत दूर मारने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें क्रीज पर दौड़ कर रन ना बनना पड़े और गेंद आसानी से सीमा रेखा के पार जाकर बड़ा स्कोर बना सके। इन सभी कठिन प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने क्रिकेट जुनून को कभी नहीं होने लगा। इस अवधि के दौरान अपने क्षेत्र इलाके और अन्य गाँव की विभिन्न टीमों के साथ बल्कि उन सभी लोगों के साथ क्रिकेट खेलते रहे जिन्होंने उनके साथ खेला। क्रिस गेल का क्रिकेट खेल हमेशा एक अलग तरह के स्तर पर था। उनके खेल को देखने के बाद जमैका के किंगस्टन में स्थित लुकास क्रिकेट क्लब के चयनकर्ताओं ने उन्हें अपने क्लब के लिए खेलने के लिए चुने थे जिनसे उनकी खेल शैली में एक अलग तरह का बदलाव आया था। क्रिस गेल हमेशा से क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ साधारण करना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें जो भी मौका मिला उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया था। लुकास क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए वह अपने कमियों को दूर करने और बल्लेबाजी के अपने मजबूत पक्के को और अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस गेल का मानना यह है कि अगर इस लुकास क्रिकेट क्लब ने मुझे अपने क्लब के लिए खेलने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं जीवन में इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। क्रिस गेल को 1998 में चुनकर क्रिकेट टीम के प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण 11 दिसंबर 1999 को टोरंटो CSC क्लब ग्राउंड कनाडा में उन्होंने भारतीय खिलाड़ी दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इस मैच में वह अपने पहले ओवर मैच में एक रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद जानते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू रिकॉर्ड के बारे में। उनके टेस्ट मैच 16 मार्च 2000 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे। उनका वनडे मैच 11 सितंबर 1999 भारत के खिलाफ खेले थे। उनका T20 16 फरवरी 2006 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। उनका जर्सी का नंबर 45 है जो कि वेस्ट इंडीज जर्सी और IPL में उनका जर्सी नंबर 333 है।
उसके बाद जानते हैं उनकी कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में। उनका पसंदीदा खाना है हॉकी और सेल्फीज, उनकी पसंदीदा फिल्में रणवीर सीरीज, और उनके पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन है और उनके पसंदीदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। उसके बाद जानते हैं उनके कार की कलेक्शन के बारे में। उनके पास है GL63 AMG मर्सिडीज और लैंड क्रूजर V8। उनके पास बाइक है हार्ले डेविडसन FX STS V V1। उनके इनकम के बारे में जानते हैं, जो कि IPL 2018 से 2019 के बिलिंग के फीस था 2 करोड़ यानी कि 2,78,294 डॉलर, और उनका आर्थिक आय है 7.5 मिलियन, और उनका नेटवर्थ है 35 मिलियन डॉलर 2018 में।